हमारे कबड में बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं, हमारी फेवरेट होती हैं, बट हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम साड़ी को अपने यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर हमारे कबड में साड़ियाँ पड़ी होती हैं तो वो बेकार में ही पड़ी रहती हैं, पड़े पड़े वो खराब भी हो जाती हैं कई बार। तो इसलिए उससे अच्छा है कि हम उन साड़ियों को यूज़ कर लें। और कई बार होता है जो हमारी साड़ियाँ मतलब मुझे हमें पसंद भी नहीं होती, वो अगर हम उसका यूज़ करके कुछ अच्छा ड्रेस क्रिएट करते हैं तो उसका यूज़ भी हो जाता है और हमें वो अच्छी भी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके साथ सारी रियूज आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारे सारे रियूज आइडियाज शेयर किए हैं और आपने उन वीडियोस को बहुत पसंद किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे चैनल पर जा करके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है मेक लाइफ क्रिएटिव। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बस देखते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। पहले भी आपने मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया है, आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो मेरी पहली साड़ी है, ये एक नेट की साड़ी थी जिसमें ऊपर में डार्क पिंक, फिर लाइट पिंक, फिर लाइट पर्पल और ये डार्क पर्पल ऐसे कुछ बना हुआ था। और इस साड़ी का ये लेस, तो मैंने इससे एक स्कर्ट बनाया है, ये है स्कर्ट। इसमें बेल्ट दिया मैंने ऊपर की साइड में, लेस का साड़ी का सेम लेस मैंने ऊपर यूज किया है और इसके नीचे बॉर्डर में यूज किया है। और इस साड़ी में सिमर का पेटीकोट दिया हुआ था, तो मैंने सेम वही सिमर का पेटीकोट इसमें यूज किया है। यहाँ नीचे में मेरे पास एक फॉल पड़ी हुई थी तो उसको मैंने बीच से कट करके यहाँ पे नीचे अटैच किया ताकि वो नीचे से थोड़ा सा हेवी हो जाए उसका लुक। तो इसलिए हेवी होने से ये होता है कि उसका स्कर्ट का जो है फॉल बहुत अच्छे तरीके से आता है, फ्लोई रहता है वो। तो ये है इसका स्कर्ट, जो मैंने साड़ी के प्लेट्स वाले पोर्शन के पास से बनाया है। ये है उसका दुपट्टा जो मैंने आंचल के पार्ट से बनाया है, इसमें सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, बहुत ही हेवी वर्क है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसमें मैंने फ्रिल अटैच की है, तो फ्रिल मैंने इसके जो आंचल था मतलब वो काफी ब्रॉड होता है साड़ी का, तो उसके साइड से मैंने फैब्रिक कट करके कुछ यहाँ फ्रिल्स में अटैच किया है। और कुछ मैंने स्कर्ट बनाया तो उसमें भी साड़ी का जो ब्रॉडनेस होता है वो ज़्यादा होता है, तो नीचे से मैंने कुछ फैब्रिक कट कर लिया था उसको ही मतलब यूज़ करके मैंने यहाँ पे फ्रिल्स बनाए हैं। ये नेट को मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ फ्रिल बनाए हैं। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये लेस का यूज़ मैंने ऊपर से किया है, ये दुपट्टा बहुत ही हेवी बन गया है और बहुत ही सुंदर लगता है देखिए। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर मैंने इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट किया है, आप चाहे तो इसे क्रॉप टॉप या फिर शर्ट के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ मैंने कोल्ड शोल्डर टॉप के साथ पेयर अप किया है। और ये प्लेन सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी दूसरी साड़ी का रिव्यूज। आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो जो है इसी साड़ी रिव्यूज का बनाया था। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी बट ये पहनने पर ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी और ये बहुत कॉस्टली भी थी। तो ये भी एक हाफ एंड हाफ साड़ी है, इसमें ऊपर में ये प्लेन ऐसे जॉर्जेट का फैब्रिक था, ऐसा प्लेन था, और उसके आंचल के पास ये ऐसा पैच दिया हुआ था बड़ा सा। और उसके
प्लेट्स के पास ये नेट फैब्रिक था, कुछ इस तरीके का, नीचे फ्लावर्स बने हुए थे एम्ब्रॉयडरी में। तो इस साड़ी का यूज मैंने उसके आंचल के पास जो ये पैच बना हुआ था उसको यहाँ फ्रंट में यूज कर लिया, और नीचे मैंने जो उसके प्लेट्स का था उसे पूरा स्कर्ट बनाया मैंने बॉक्स प्लेट में, और इसके लाइनिंग के लिए मैंने सैंटून का फैब्रिक यूज किया है। इससे थोड़ी साइन आ जाती है नेट के फैब्रिक के नीचे, ये थोड़ा साइन करता है तो अच्छा लगता है, इसलिए नेट फैब्रिक में हमें कॉटन की लाइनिंग यूज नहीं करनी चाहिए, सैंटून फैब्रिक अच्छा लगता है। और मैंने इसके आंचल के पास का जो पार्ट यूज किया था यहाँ फ्रंट में तो मुझे थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मैंने इसी सेम जॉर्जेट के फैब्रिक से एक सर्कुलर प्लाजो भी क्रिएट किया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा फैब्रिक कम हो गया था। तो इसी से मिलता जुलता मेरा वो नेट का साड़ी था जो मैंने पहले दिखाया, उसी का लेस मैंने यहाँ ज्वाइंट करके यूज किया है इसके स्लीव्स पे यहाँ थोड़ा साइड में, और ये इसका लुक पहनने पर बहुत अच्छा आता है। ये सेम इसी साड़ी का लेस है जो इसमें मैंने यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साड़ी से हम एक ही ड्रेस बनाएं, अगर हमें मिक्स मैच करके देखना चाहिए कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सा कॉन्ट्रास्ट सही लगेगा, तो उसे मिक्स मैच करके भी हम यूज कर सकते हैं। और हमें कुछ जरूरत हो तो हम अपनी जरूरत के अनुसार मतलब बाहर से भी परचेज करके लेस वगैरह या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या पैच जो भी है यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी साड़ियाँ भी बहुत कॉस्टली होती है, और हम उसका अच्छे तरीके से यूज करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। और इसी साड़ी से मैंने जो जॉर्जेट उसका आंचल के पास का फैब्रिक था ये प्लाजो बनाया था मैंने, ये फुल सर्कुलर प्लाजो है, इसमें भी मैंने लेस वो लाइनिंग यूज किया, ये कॉटन की लाइनिंग है, बहुत कंफर्टेबल रहती है तो मैंने कॉटन की लाइनिंग इसके नीचे यूज किया। और इसकी कुर्ती में भी नीचे तो मैंने सैंटून यूज किया है, और ऊपर के साइड में इसके योक पार्ट में मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज की है, क्योंकि ऊपर में जॉर्जेट फैब्रिक है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने कॉटन लाइनिंग यूज की है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। साड़ी रिव्यूज दिखाती हूँ। तो ये जो है ये मैंने गाउन बनाया हुआ था, ये बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ मैं, ताकि आपको कुछ आइडियाज मिल सके। तो ये साड़ी मेरी हाफ एंड हाफ थी, और इसमें जो है वो कुछ पोर्शन में नेट था, फिर जॉर्जेट, फिर नेट, फिर जॉर्जेट, फिर आंचल के पास इसके छोटा सा पोर्शन नेट का था जहाँ पे दो बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे। तो इसका मैंने गाउन बनाया है। तो ये जो आंचल के पास फ्लावर बने हुए थे उसका मैंने यूज यहाँ एक फ्लावर का यूज किया है, योक पार्ट पे एक का मैंने यूज नहीं किया है। और इसमें जो जॉर्जेट पार्ट था साड़ी का, तो इस टाइप की साड़ी में ना कुछ भी क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसका अच्छे से यूज करने का। तो इसमें ये जो था जॉर्जेट पार्ट, इसकी मैंने 6 कली कट की, जैसे कि हम पेटीकोट में भी कटिंग करते हैं, मैंने सेम वैसे ही कट की थी इसकी कली, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ नेट के नीचे भी यही सेम फैब्रिक है, नेट के नीचे यही फैब्रिक है। तो ये 6 कली को मैंने 3 कली आगे ज्वाइंट किया और 3 कली इसकी पीछे, और उसके बाद मैंने उसका जो नेट का फैब्रिक था उसको निकाला मैंने, और वो सीधा सीधा मैंने यहाँ बीच में ऐसे फोल्ड करते हुए इस टाइप से बीच में एक बॉक्स प्लेटेड करते हुए मैंने इसे अटैच किया है फ्रंट में और बैक में भी, ताकि उसका घेर ज्यादा है नीचे से, ये देखो आप इसका नेट का कितना ज्यादा घेर है। तो ये मैंने इस तरीके से ज्वाइंट किया है,
और इसका फैब्रिक मुझे कम हो रहा था क्योंकि ये साड़ी कुछ इस तरीके से थी कि हम इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसका ब्लाउज जो है, मैंने इसका ब्लाउज सेम इसके ऊपर स्टिच कर दिया। तो इसका ब्लाउज का नेक बहुत ज्यादा डीप था, तो गाउन में इतना ज्यादा डीप नेक अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा नेट फैब्रिक को यूज करके यहाँ पर एक मतलब ब्रॉड सी पाइपिंग बना दी है ब्लाउज की ही स्लीव से। ये ब्लाउज में ऐसे ही बना हुआ था और इसका ब्लाउज जो था उसमें पीछे की साइड में हुक था, तो मैंने यहाँ पर ये लेस लगा दिया था। और फ्रंट में ऐसा था, और फ्रंट में भी ब्लाउज में जो स्टिच दी रहती है फोर साइड से स्टिच दी रहती है, तो वो मैंने बीच वाली स्टिच और एक साइड की स्टिच को ओपन कर लिया था, अनस्टिच कर लिया था मैंने। और ये स्टिच मैंने एक रहने दिया और एक इधर और इधर इधर दोनों साइड, ताकि ये थोड़ा प्रिंसेस कट में लुक आता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ये आगे से बिल्कुल प्लेन ना दिखे, इसलिए मैंने जो आंचल के पास का था उसको कट करके जो एम्ब्रॉयडरी थी यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाउन में से था। अब मैं इसका कम यूज करती हूँ क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, इसका कलर भी फेड हो गया है। ये पहले बहुत ही खूबसूरत लगता था और इसका कुछ फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने अपनी भतीजी के लिए एक फ्रॉक बनाया था। अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं यहाँ साइड में डाल दूंगी। तो इस तरीके से इसका लुक आता है, आप देख सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट साड़ी रिव्यूज पे। तो ये मेरी एक हाफ एंड हाफ साड़ी थी जिसमें आंचल के पास येलो जॉर्जेट का फैब्रिक था और नीचे में मैजेंटा पिंक कलर था। ये एक जॉर्जेट साड़ी है, इसमें आंचल के पास वाले पोर्शन में ये छोटे छोटे बूटे बने हुए थे और आंचल में ये फ्रंट में जो पोर्शन आता है उस पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर्स बने हुए थे ऐसे इस तरीके से। तो मैंने उस आंचल के पोर्शन को अलग किया हाफ एंड हाफ साड़ी से और एक पिंक पोर्शन को अलग किया। अगर आपने इसका ट्यूटोरियल देखा नहीं है मेरे चैनल पे तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने इसका ट्यूटोरियल भी शेयर किया है और उस वीडियो में आप इसकी साड़ी भी देख सकते हैं कि कैसे ये साड़ी थी। तो इसका जो ये फ्लावर्स थे आंचल पे आगे की साइड से उसको मैंने कट कर लिया पूरा, और बाकी के आंचल के पोर्शन से मैंने ऐसे कली बनाई, थ्री कलीज आगे और थ्री पीछे मैंने अटैच किए हैं। और कलियों को ज्वाइंट करने के बाद मैंने ये नीचे ये जो मैंने कट किया था आंचल के पास का उसे अटैच कर दिया, और ये ज्वाइंट छिपाने के लिए मैंने इसी साड़ी का लेस को छोटा करके फिर यहाँ पे यूज किया है। पहले मैंने सोचा था कि इसके नीचे के साइड में भी लेस लगाऊंगी, बट ऐसे इसका लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सवा दो और लेस इसमें यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैंने ऊपर प्रिंसेस कट दी है और यहाँ मैंने इसी साड़ी की से मतलब पाइपिंग निकाल करके यहाँ यूज़ किया है। ये इसका स्लीव से ऐसी लेस दी हुई थी जिसका मैंने हाफ लेस निकाल करके यहाँ पर नीचे में यूज़ किया हुआ है, और बैक में मैंने जिप लगाई है, जिप लगाई है, और इसका लुक पहनने पर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें फ्लेयर भी काफी ज्यादा है। और इसका हाफ पोर्शन जो है वो ये है मैजेंटा पिंक, ये अराउंड 3 मीटर है और वो मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक से बनाया था, और ये इसमें पैच लगे हुए थे यहाँ नीचे आंचल के पास वाले पार्ट में, तो ये पैच मैंने निकाल लिया, इसका भी मुझे यूज़ करना है। और ये लेस है जो उसी साड़ी में लगी हुई थी तो इसका भी मैं यूज़ करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन उनको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे वीडियो को देखते हैं, अराउंड 80% लोग ऐसे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि मेरी कौन से आइडियाज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, और आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे मैं सारे रिव्यूज़ आइडियाज़ आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।